नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का दोस्तों मैं फिर गुलाब के ऊपर लाया हूं और आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाब मेरे गार्डन में बहुत सारा खिल रहा है दोस्तों, लेकिन आज मैं सिलेक्ट किया हूं जुमेलिया को। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ये जो वेराइटी है इसको बोलते हैं जुमेलिया। देखिए बहुत प्यारा सा फूल दिया है और आपको कौन सेप में बहुत बढ़िया रहता है, हैवी पेटल रहता है इसका। और ये देखिए, ये इसका थर्ड डे है और दोस्तों इतना ही खिला है। तो ये दोस्तों कॉट वेराइटी है और फ्लावर के बुके में और प्लांट वेंडर लोग, फ्लोरिस्ट लोग इसे यूज करते हैं कट फ्लावर के जैसा, बुके में इसे सेल करते हैं दोस्तों। और सिंगल स्टिक भी इसका बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पेटल बहुत ज़बरदस्त रहता है और ये खिलने में बहुत टाइम लगाता है दोस्तों, ओपनिंग इसका बहुत स्लो है। रोड साइड में जो फ्लोरिस्ट लोग रहते हैं दोस्तों, फ्लावर का बुके जो बेचते हैं, देखिएगा यही फ्लावर आपको दिख जाएगा वहाँ पे। और एक एक फूल आपका 15-20 रुपया में बिक्री होता है कट फ्लावर के जैसा। और इसका कलर देखिए दोस्तों, आइवरी कलर में रहता है और एज सब पिंक कलर में रहता है, तो बहुत बढ़िया दिखता है। इसका सेंटर में दिखा रहा हूँ आपको, देखिए बहुत सारा पेटल है और जब ये खिलेगा दोस्तों तो आपका 20 दिन हो जाएगा। और ये वेराइटी मेरे पास नया है और ये देखिए यहाँ पे मैं टैग दिखा रहा हूँ आपको, जुमेलिया। लेकिन जुमेलिया मारेंगे तो आप गूगल पे आ जाएगा और जुमेलिया भी आ जाता है किसी किसी में दोस्तों। प्लांट में लाया था आपका प्लांट रोज वर्ल्ड से और उनका मैं मोबाइल नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं। और देखिए ये प्लांट लगे हुए मेरा 1.5 महीना हो गया है और अभी नया नया ग्रोथ आ रहा है और एक पर्स आया है देखिए, और ये एक खिला है। तो प्लांट का ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है आपका साइज, और नया नया है और इतना बड़ा साइज आया है, आगे इसका साइज और बढ़ जाएगा दोस्तों जब प्लांट पुराना होगा। फूल तो देखने में बहुत सुंदर है लेकिन खुशबू इसमें ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बहुत ही लाइट सेंट है। और बहुत सारा कांटा देखिए आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा और लीफ के नीचे भी बहुत बड़ा बड़ा कांटा रहता है दोस्तों। और हाइब्रिड टी है, बहुत बड़ा साइज का फूल और बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला फूल, यही इसका स्पेशलिटी है। और ये प्लांट को मैं ढूंढ रहा था दोस्तों बहुत दिन से, करीब 2-3 साल से, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। और अभी अभी पुष्पांजलि नर्सरी और प्लांट रोज वर्ल्ड इन सब में ये अवेलेबल है, तो व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। और ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, अप्रैल के बाद इसे मत बाय कीजिएगा आप, अभी अगर बाय करते हैं तो बहुत बढ़िया है क्योंकि तेज़ धूप आएगा दोस्तों और आप बचा नहीं पाओगे प्लांट को। और अगर इस ईयर आपको नहीं लेना है तो आप लीजिएगा इसे अगस्त सितंबर में, तो नेक्स्ट ईयर आप इसे एंजॉय कर सकते हो। तो आज का वीडियो और जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।